हाय गाइस, आभास चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज हम चावल की कचरी बनाने वाले हैं, जिसे चावल की कुडलई और कुलडई के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम कुकर में बनाने वाले हैं और बिना मशीन के भी बनाने वाले हैं। इसे हम तीन चार तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए देखिए हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। चावल की कचरी बनाने के लिए 2 बाउल कच्चा चावल लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुकर लेंगे और इसमें चावल को डाल देंगे। अब इसमें 5 बाउल पानी ऐड करेंगे। हमने 2 बाउल कच्चा चावल लिया है, तो इसमें 5 बाउल पानी ऐड करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, वरना सूखने के बाद इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब हम इस पर लिड लगाकर इसे रख देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और 5 विसिल आने तक का इसे पका लेंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। फाइव विसिल हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, जिससे इसका स्टीम निकल जाए। स्टीम निकल गया है, अब इसे हम खोल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से भी इस तरह मिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा पेस्ट निकाल लेंगे और पेस्ट निकालने के बाद इसे इस तरह लिड लगाकर रख देंगे, जिससे ये ठंडा ना हो। कचरी बनाने के लिए सबसे पहले हाथ में पानी लगा लेंगे और फिर पलटा लेंगे और इस तरह पेस्ट को मसलते हुए कचरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पलटे से कितनी अच्छी कचरी बन रही है। अगर आपके पास इस तरह छेद वाला प्लेट है तो आप उससे भी कचरी बना सकते हैं। अगर आपके पास सेव मेकर है तो इसमें इस तरह पेस्ट भर के और कचरी तैयार कर सकते हैं। इससे कचरी बनाना तो हर किसी को आता है। लेकिन हम इसे प्लास्टिक पैकेट से बनाएंगे। इसके लिए हम प्लास्टिक पैकेट में चावल के पेस्ट को भर लेंगे। फिर हमें जितना बड़ा छेद चाहिए उसे हम कट कर लेंगे। इसे हमने पहले ही काट लिया है, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। चलिए आपको दिखाते हैं इससे कैसे बनेगा। आपको जितनी बड़ी कचरी बनानी है आप इस तरह घुमाते हुए बना लीजिए और नाइफ की सहायता से इस तरह कट करते जाइए, जिससे आपका हाथ भी नहीं खराब होगा और ये आराम से बन जाएगा। आप चाहें तो नाइफ से ना काटें और इसे इसी तरह बनाते जाएं। ये कचरी हम अभी थोड़ी मोटी बना रहे हैं, आपको पतली भी दिखाएंगे। अब पतली कचरी बनाने के लिए हम पेस्ट लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा ढीला कर लेंगे। इसे हम प्लास्टिक पैकेट में भर लेंगे। अब इस तरह हम इसे बनाते जाएंगे। हमने छोटा छेद काटा है, उससे हम इस तरह कचरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने आराम से कचरी बन के तैयार हो रही है। इसी तरह हम सारी कचरी बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरह और प्लास्टिक पैकेट बनाकर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे खेल खेल में आपकी कचरी बना के तैयार कर देंगे। ये हमने सारी कचरी बना ली है। सारी कचरी हमने प्लास्टिक पैकेट से बनाया है और थोड़ा सा मशीन से, तो चलिए इसे हम सूखने देते हैं। ये कचरी सूख गई है, इसे सूखने में 3 दिन लगा है। ये मोटी वाली कचरी है, ये पतली वाली कचरी है और ये सेव मेकर से बनी हुई कचरी है। तो चलिए हम आपको तीनों ही फ्राई करके दिखाते हैं। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए फ्राई करने से कचरी कितनी बड़ी हो गई है और देख के कितनी अच्छी लग रही है। हमने और भी कई पापड़ के वीडियो डाले हैं,
अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इस होली आप भी इस तरह कचरी बनाइए, आपकी मेहनत बचेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह मेरा वीडियो देख सकें। ये कितनी अच्छी कचरी बन के तैयार हुई है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगी है। चलिए इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है। ये कचरी फ्राई हो गई है तो हम तो जा रहे खाने, आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।